वीरान होते शहर, कोरोना से आज सारी दुनिया लड़ रही है। आज हम बात करेंगे कोरोना के लक्षण और उनके बचाव के बारे में, ताकि यह संक्रमण किसी और व्यक्ति या अपने दोस्तों में नहीं फैल सके। आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है। अगर आपको कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको 7 दिन के लिए घर में रहना चाहिए। अगर किसी को भी लगातार छींके, नाक बहना, खांसी, तेज बुखार यानी 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वह सावधान हो जाए और 7 दिन के लिए घर में रहे। अगर 7 दिन के बाद भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फौरन डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो ये संक्रमण और लोगों में भी फैल सकता है। कोरोना से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ और साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले WHO के द्वारा बताए गए तरीके से हाथों को धोइए, थोड़ा पानी लेकर हैंड वॉश हाथों में लीजिए, फिर आपस में हाथों को रगड़िए, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में मलिए, फिर दूसरे हाथ से पहले वाले हाथ की उंगलियों को रगड़िए और अच्छी तरह अंगूठों को धोने की कोशिश कीजिए। इसके बाद उंगलियों से अपनी हथेली को साफ़ कीजिए, फिर दूसरे हाथ की हथेली को साफ़ कीजिए, अपने नाखूनों को साफ़ कीजिए। बहुत अच्छी तरह धोने के बाद लगभग 20 सेकंड तक हम हाथों को धोते हैं तो कोरोना वायरस हमारे हाथों से साफ़ हो जाता है। इसलिए हाथों को बार बार धोते रहिए। अपने घर के मेन गेट पर सैनिटाइज़र लगाइए, ताकि आप कहीं बाहर से आएं तो अंदर आने से पहले हाथों को सैनिटाइज कर लें। हमें अपने घर का सैनिटाइजेशन करने के लिए एक लिक्विड सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम अपने घर का अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल इस वीडियो में दिखाए गए तरीके की तरह। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से जा रहे हैं, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ें, किसी भी चीज़ को छुएं, फौरन हाथ धोएं। अगर आपको खांसी या छींक आए तो कोहनी मुंह पर रखकर खांसें या छींकें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगा करें, रनिंग करें या कोई भी वर्कआउट करें। जहां तक भी हो सके जंक फूड को अवॉइड करें। फ्रेश वेजिटेबल खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं। हम इन सावधानियों से कोरोना को हरा सकते हैं और ख़ुद को और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित रख सकते हैं।